5 अप्रैल को गो न्यूज ने खबर दिखाई थी कि कैसे बिहार के अल्पसंख्यक विभाग ने 30,000 से ऊपर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों का आधार से जुड़ा डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, फोन नंबर और माता पिता की आय सार्वजनिक कर दी गई है। इस संदर्भ में हमने बिहार के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर अब्दुल गफूर से बात की, जिन्होंने ये दिलासा दिया था कि वो इसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन छात्रों की संवेदनशील जानकारी अभी तक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि न सिर्फ किसी का आधार से जुड़ा डेटा सार्वजनिक करना आधार कानून का उल्लंघन है, बल्कि किसी की भी बैंक से जुड़ी जानकारी भी पब्लिक करना आईटी एक्ट 2000 की अवहेलना है। UIDAI अपनी वेबसाइट पर साफ लिखता है कि किसी का भी 12 डिजिट का आधार नंबर कहीं पर भी किसी भी संस्थान द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा मामला जिसमें आधार नंबर साझा करना अनिवार्य है, तो शुरुआती 8 नंबर ना दिखाकर आधार नंबर के अंत के 4 नंबर ही प्रकाशित किए जाएं। हमने इस संदर्भ में UIDAI को भी लिखा है, लेकिन उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। गौरतलब है कि 25 मार्च को सरकार ने केंद्र और राज्य के विभागों को नोटिस जारी करते हुए साफ लिखा था कि किसी की भी आधार से जुड़ी जानकारी और बैंक अकाउंट डिटेल कहीं पर भी प्रकाशित नहीं किए जा सकते। ऐसे में सरकारी विभागों द्वारा लापरवाही और UIDAI की चुप्पी चौंकाने वाली है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।